उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले बात करते हैं जो छात्र और छात्राओं से जुड़ी हुई है। कल से प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं, 10वीं और 12वीं की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। स्कूल खुलने से पहले प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, कोविड-19 के नियमों का सबको कड़ाई से पालन करना होगा। तो कल से उत्तराखंड में स्कूल खुलने जा रहे हैं, इस लिहाज से स्कूल प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करना है, मॉनिटरिंग करनी है। इस खबर को और अधिक विस्तार से बताएंगे मेरे सहयोगी रामानुज जुड़ गए हैं देहरादून से लाइव। रामानुज, छात्र और छात्राओं के लिए बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं की क्लासेस कल से शुरू होने जा रही है। जितनी बड़ी चुनौती छात्र छात्राओं के लिए होगी गाइडलाइंस का पालन करना है, उससे ज्यादा कड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, मॉनिटरिंग करनी है लगातार, सभी नियमों का पालन करें, किसी को दिक्कत भी ना हो, पढ़ाई जारी रहे। देखिए, जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल केवल 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को ही स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी और खास बात यह है कि अभिभावकों से अनुमति लेने के बाद ही पढ़ाई शुरू होगी। लेकिन जिला प्रशासन का ये कहना है कि जिस तरह के हालात हैं ऐसे में कितने परसेंट बच्चे स्कूल आएंगे, उनको किस तरह से उनका सीटिंग अरेंजमेंट होगा, और केवल चूंकि बोर्ड के परीक्षाओं की बात है इसी के मद्देनजर केवल 2 क्लास के बच्चों को ही बुलाना है, 50% छात्र छात्राएं होंगे। और दूसरी तरफ प्रशासन ने यह भी कहा है कि ज़्यादातर फोकस अभी भी ऑनलाइन क्लास पर होगा। एक टेंटेटिव प्लान तैयार किया गया है कि किस तरह के हालात बन सकते हैं और उसमें कैसे पढ़ाई हो सकती, उसको लेकर के एक तरह का अपना पहले प्लानिंग की गई है। और चूंकि खास बात यह है कि चाहे वो देहरादून हो या नैनीताल, जो उत्तराखंड के बड़े शहर हैं जहां पर प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं, उनका किस तरह से रुख देखने को मिल सकता है, वो कैसे अपना पढ़ाई को शुरू करेंगे, ये है कि चूंकि बोर्ड की परीक्षा के छात्रों को लेकर के एक प्लान तैयार किया गया है और कोविड के जो नॉर्म्स है, जो नियम है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाए, किसी तरह कोई भी छात्र छात्रा को कोई परेशानी ना हो उसको भी देखा जा रहा है। तो ये होगा कि कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते में पूरी जो तस्वीर होगी वो साफ होगी कि किस तरह से पढ़ाई पर फोकस किया जा सकता है या आगे गाइडलाइंस में कोई बदलाव किया जा सकता है। एक प्लानिंग अभी केवल तैयार की गई है, तो देखना यही है कि कितने परसेंट बच्चे रोटेशन पर आते हैं, या जिस तरह से सरकार ने प्लान कहा था कि होमवर्क नहीं दिया जाएगा, ये भी कोशिश की जा रही है। तो एक प्लानिंग बनाई जा रही है ताकि बोर्ड के परीक्षाओं का जी ठीक है रामानुज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो साफ तौर से ये जो पूरी खबर है छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एक तरफ प्रशासन ने स्कूल खोलने से पहले सारी तैयारियां कर ली हैं, कोविड-19 के नियमों का सबको पालन करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं, इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग भी कर ली गई है और अब इंतजार है कल का, जब कोरोना काल में कई महीनों बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने भी, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना भी है और मॉनिटरिंग भी करनी है।